क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक ऐसा काम, या कोई एक सिंपल सा काम जिसने कोको कोला कंपनी के $4 बिलियन का नुकसान कर दिया, उसकी शेयर मार्केट 1.6% नीचे ला दी। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब अपने घर से बाहर निकला था तो कड़ाके की धूप जो पड़ रही थी, तो वहां पर एक शॉप के बाहर प्लास्टिक के बैग में, प्लास्टिक की बोतल में ये कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। तो वहां जब मैंने ये देखा कि यार एटलीस्ट किसी को तो इनके बारे में बात करनी चाहिए कि कितना ज्यादा ये जहर है, धूप में रखी हुई है, इनको जब वो फ्रिज में रखेंगे ठंडी करके लोगों को दे देंगे, इससे हेल्थ पे कितना ज्यादा असर पड़ेगा। और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे सच में ये काम देखकर इतना दिल खुश हुआ कि हाँ, जो उन्होंने हेल्थ को प्रमोट किया। अगर आप लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में सर्च करें तो आपको पता चलेगा ये कभी बच्चों को ऐसी चीजों के बारे में शेयरिंग या प्रमोटिंग ही नहीं करते जिनसे हेल्थ खराब हो जाए उनकी। और ये जो कुछ भी हुआ, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो एक आपको पता चलेगा कि रोनाल्डो का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि उनके इस काम से $multi-billion की कंपनी को नुकसान हो गया, वो हिल तक गई, उनके शेयर मार्केट तक नीचे आ गए। और जब ये वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि भाई इन्होंने प्रमोट किया सिर्फ पानी को, इस कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट ना करते हुए, उसको साइड में रखते हुए, कचरे को साइड में रखते हुए प्रमोट करते हुए कहते हैं कि पानी पियो, ये कोको कोला मत पियो। तो ये सच में इतना दिल खुश हुआ कि एटलीस्ट बहुत कम है यार। देखो यार, जितना हम देखते आ रहे हैं कि सेलिब्रिटीज या जितने भी अपने प्लेयर्स हैं वो बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो हेल्थी चीजों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हमारे देश में एग्जांपल है। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। मतलब लोग भाईचारे से एक साथ नहीं आ सकते, वो एक देश में होकर एक साथ नहीं आ सकते, वो सिर्फ और सिर्फ एक साथ आ सकते हैं गुटखा खाकर, ये पान मसाला खाकर वो एक साथ आ सकते हैं। तो देख सकते हो कि हमारे देश में इस तरीके की चीजों को बड़े जोर शोर से प्रमोट किया जाता है कि आप ये खाएंगे तो आप मतलब तरक्की कर लेंगे, आप पान मसाला खाइए, आप गुटखा खाइए तो आप लोगों की तरक्की जो वो कदमों में चूमेगी। यार जितना हमने सीखा है, जाना है कि भैया तरक्की तो मेहनत करने से आती है, ये गुटखा और पान खाने से कब से तरक्की आने लगी। और कोल्ड ड्रिंक को तो हमारे देश में ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे भैया इनके बिना तो कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा ही है। अरे दिल छोटा मत कर यार, इस समय तुझे बड़ी पेप्सी पिलाता हूँ। 50 में बड़ी पेप्सी। अगर आप किसी को आइडल बनाते भी हो तो किसी ऐसे को बनाइए जो आपको हेल्थी चीजें प्रमोट करे, या कहूं कि जो सही चीजों को प्रमोट करे जिससे आपका ना तो हेल्थ का नुकसान हो ना ही आपको फाइनेंशियल नुकसान हो। अगर आप देखें तो हमारे देश में कितने सारे ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ऐसी चीजों को ऐड कर देते हैं, जो रंग को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, जिसका गोरा रंग है वो ज्यादा तरक्की करेगा, जिसका काला रंग है वो तरक्की नहीं करेगा, या फिर कहें कि हमारे देश में जो यूट्यूबर है वो भी ऐसी ऐसी पोंजी ऑनलाइन स्कीम को प्रमोट करते चल रहे हैं कि जहां पर क्रिप्टो करेंसी में आप प्रमोट इन्वेस्टमेंट करिए कि आप जाकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मतलब छोटे छोटे बच्चों को वो ऐसे कह रहे हैं कि आप 100 रुपए से स्टार्ट करिए, आप देखिए आप कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खैर ये एक अलग मुद्दा है, ये ऑनलाइन पोंजी स्कीम वाला, इनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो बस इतना कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे लोगों को आप दूर रहिए जो आप लोगों को घटिया चीजें प्रमोट करते हैं। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी चीजें जिससे हेल्थ जिसमें बहुत ज्यादा खराब होती है, ना तो उससे कहीं पर भी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है, और इवन उसके अंदर इतना ज्यादा फैट इंक्लूड होता है कि जिससे लोगों की हेल्थ और ज्यादा खराब होती ही होती है। अगर आप कंपैरिजन करके देखें हमारे देश में कैसी पेप्सी या कैसी कोको कोला बिकती है एज कंपेयर टू जो अमेरिका में बिकती है, तो आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। वहां पर जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि ऐसी कोई भी पेप्सी ऐसी कोको कोला वहां पर नहीं बिकेगी जिसमें फैट हो, लेकिन हमारे देश में वो ज्यादा जो मतलब रिजेक्ट हो चुकी है यूएस वाली, वो हमारे देश में बिक सकती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि यहां के लोगों का डाइजेशन सिस्टम ज्यादा तेज है तो यहां के लोगों को फैट नहीं होगा, तो यहां पर वो कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती है, खुद कंपनी कहती है। आप लोगों की क्या राय है इस चीज के ऊपर तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।